हाय अमित। वो दोनों लड़कियां मेरे घर की चाबी तेरे पास छोड़ गई हैं क्या? वो दोनों आई तो थी पर मैंने चाबी ली नहीं। चाबी ली नहीं? लेकिन क्यों? इसी बहाने तुम मेरे घर पर आओगे ना, इसलिए चले ना। अरे यार डॉली, डॉली क्या कर रही है यार तू? हाय अंकल। हाय। और सुना बरखुरदार, क्या हाल है तेरा? अंकल बहुत थक गया हूँ मैं। वो तो तू हमेशा थका ही रहता है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है ट्रेनों और बसों में धक्के खा खा के थक गया हूँ। ओ यार, तू ये फटीचरों वाली जिंदगी कब तक बिताता रहेगा? पता नहीं अंकल कब तक। तू एक काम कर, हाँ। पुत्र तू एक कार ले ले। मैं और कार? वाह ना, इसमें हंसने की क्या बात है? तुझे मालूम है स्टेटस में बहुत फर्क पड़ जाता है। इस बेवकूफ को मैंने अपनी कार की ऑफर दी थी, 1947 की मॉडल थी, इम्पाला इम्पाला, सिर्फ 75,000 में दे रहा था तुझे। हाँ लेकिन अंकल, लेकिन तेरा बैंड लकी खराब है, कोई क्या कर सकता है। अब तो मेरी एक डीलर से बात भी हो गई है, उसने बगैर देखे टेलीफोन पर ही मेरी गाड़ी खरीद ली है। बेचारा डीलर। और चुप यार, बगैर देखे टेलीफोन पर ही? हाँ। मतलब टेलीफोन शॉपिंग? ओए खन्ना की गाड़ी है, कोई यारे गारे की थोड़ी है। लेकिन अंकल उस गाड़ी के आपको पूरे 75,000 रुपए मिले? हाँ तकरीबन। तकरीबन मतलब 70,000 मिले होंगे? ओ यार तकरीबन 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 खाक, इन्हें उस खटारा के सिर्फ 12,000 मिले हैं। डॉली यू शट अप, अंदर से जूस लेकर मेरे लिए जाओ। अंकल उस 1947 की क्लासिक इंपाला के लिए आपको सिर्फ 12,000 मिले? ओ शट अप, डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली विद मी। सॉरी बेवकूफ इंसान, डंबल पकड़ा मेरे को। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर वो 1947 की क्लासिक इंपाला आप मुझे ही 12,000 में दे देते तो तुझे भेज देता माय फुट। ऐसा क्या? माय फुट, माय फुट, माय फुट। राखी, क्या राखी इतनी देर से डोरबेल बज रही है, बहरी होगी, जाके दरवाजा खोलना। मैं भी हिल नहीं सकती हूँ, मैं ब्यूटीफुल बन रही हूँ। मैं भी तो नहा रही हूँ यार। तो नहाती रहे, तू नहीं सुधरेगी। अमिताभ बच्चन। अरे यार अमित, तुम दरवाजा खोलो। अरे यार अमित, मैं नहा रही हूँ। क्या तुम हॉल में नहा रही हो? नहीं, मैं सावन में हूँ। ऐसा क्या? अच्छा अमित सुन, हाँ? मैं दरवाजा खोल रही हूँ, जब तक मैं बाथरूम नहीं पहुँचती ना अंदर नहीं आना। नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस प्रॉमिस। ए चल फ्री 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 चल फ्री। ए एक काम तो कर, मजाक छोड़, ए, इसको किचन में जाके रखिया। आई टेल यू यार, ये ओह, ये वजन उठाते उठाते रोज बसों में और ट्रेनों में धक्के खाते खाते मेरी तो कमर ही टूट गई है यार। और कमबख्त ऑटो रिक्शा वालों को आज ही स्ट्राइक पे जाना था। अरे अपने पड़ोस का वो चोपड़ा है ना, चोपड़ा बेवकूफ, उसे मैंने लिफ्ट के लिए अंगूठा क्या दिखाया, साला लिफ्ट देने के बजाय मुझे ही अंगूठा दिखा के चला गया, ब्लडी स्काउंडरल। ओह हाउ सैड, नो तबे हत्यारा। सो सैड फॉर यू अमित, सो सैड फॉर यू। एनी हाउ मुझे 12,000 रुपए चाहिए। तुम पी के आए हो क्या? अरे यार इसका दिमाग खराब हो गया क्या? वो खन्ना है ना खन्ना, हाँ? वो अपनी 1947 की क्लासिक इंपाला सिर्फ 12,000 रुपए में बेच रहा है। क्यों मैं पूछ लिया जाके? अमित, हाँ? तुम खन्ना अंकल की गाड़ी खरीद रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, हम तीनों मिलके उस गाड़ी को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया। कहाँ? अमित, हमारे पास 12,000 रुपए है कहाँ? कहाँ? मैं तुम लोगों को समझाता हूँ अभी। किधर के अंडे? एक, ये दो, ये तीन। देखो 12,000 ना तुम्हारे पास है, ना ही तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें तो 12,000 जमा कर सकते हैं। नहीं? इसका मतलब है हम लोग खन्ना अंकल को पैसे के बजाय अंडे देंगे। जी नहीं, इसका मतलब है कि हम तीनों मिलकर ये गाड़ी खरीदेंगे, हमें बस अब चलकर नहीं जाना होगा। यू आर टॉकिंग, इसका मतलब है हम लोग गाड़ी में बैठ के बस स्टॉप जाएंगे। यस यस यस। बेवकूफ। और मैंने तो अपना पूरा प्रोग्राम बना लिया, हाँ। मैं बड़े स्टाइल में अपने इम्पाला में रिहर्सल्स के लिए जाऊंगा। वो क्या है ना कि गिटार पकड़ के ट्रेनों और बसों में धक्के खाते खाते मेरे पुअर हैंड जो है ना 4 इंच लंबे हो गए। अमित, हाँ? तेरे हाथ अगर थोड़े और लंबे हो जाए, हाँ? ना तो तुम्हें को पैरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित, गाड़ी की कंडीशन कैसी है? कंडीशन वो कुछ खन्ना अंकल की जैसी है। अमित के बच्चे, जब तू लास्ट टाइम वो गाड़ी में बैठा था, हाँ? तो तूने कहा था
कि गाड़ी बड़ी बेकार है। अरे डफर, 75,000 के लिए वो कार बेकार है, लेकिन 12,000 में वही गाड़ी मिले ना तो बहुत कमाल है। अमित, हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? चोरी करके। तुम चोर हो? मैं तो चोर नहीं हूँ, अच्छी लड़कियाँ चोरी नहीं करती और अच्छे लड़के भी। अरे शट अप यार, बोथ ऑफ यू यार, अगर हर इंडियन एक 1947 की क्लासिक इंपाला खरीदने के पहले इतना सोचे ना तो यार इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, बिल्कुल डूब जाएगी। कि फॉर नथिंग एल्स हम देश की उन्नति के लिए गाड़ी खरीदने के बोला। जय हिंद जय हिंद। तो मेरी भी जय हिंद। हां, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। और यार गॉड ब्रेकफास्ट एनीबॉडी? आप लोग पापा का खटारा क्यों खरीदना चाहते हो? अरे डॉली, हम उस कार को कौन से रेस में दौड़ाने वाले भाई? वो रास्ते पर चल जाए ना तो भी बहुत है। हमें तो बस कार चाहिए। तुझे बस चाहिए, कार चाहिए? बस कार चाहिए। बस अलग होती, कार अलग होती है। निकी यार, डोंट कंफ्यूज मी, ओके? हमें कार चाहिए। कार या बेकार? डॉली, दिखा नहीं देता मैं काम कर रहा हूँ, गाड़ी की पेपर तैयार कर रहा हूँ। पापा, आपने गराज वाले के साथ डील फाइनलाइज कर ली है 12,000 में? ओहो, मैंने उसके साथ में कौन सा हाथ मिलाया है? फोन पे हाथ कैसे मिलाते आप? अरे वो उसकी प्रॉब्लम है। पापा, आप जबान दे चुके हैं, आप समझते क्यों नहीं? जबान दे चुका हूँ मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को अपनी कार नहीं दे सकता। अरे भाई, मैंने गराज वाले को अपनी जबान दे दी है, अब मेरी जबान पत्र की लकीर होती है, एक बार दे दी तो दे दी। भाई मर्द हूँ, मर्द का बच्चा हूँ, जबान का पक्का हूँ भाई। अंकिल अंकिल अंकिल, देखो ये है 1,200 रुपए, साथ में ये 400 रुपए और टाइपिंग के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा मैंने वापस ली। क्या? वो मैंने गराज वाले से अपनी जबान वापस ले ली। तुम्हें की याद रखेगा खन्ना नु, पकड़ ये गाड़ी का पेपर। थैंक यू अंकल। और ये मेरी फेवरेट कार 1947 इंपाला की चाबी और साथ में ये की चेन मुफ्त मुफ्त। ये रही हमारी 1947 की क्लासिक इंपाला। अब देखना मैं उस बाजू वाले चोपड़ा को कैसे मजा सिखाता हूँ। हम लोग उसके साथ रेसिंग करेंगे क्या? अरे नहीं यार, मैं उसकी गाड़ी का टायर पंचर करके जब वो मुझे लिफ्ट मांगेगा ना, मैं उसे अंगूठा दिखा दूंगा। कमीना, छोड़ यार अमित, अमित हम ना अपनी गाड़ी में अभी घूमने जाएंगे। Yes. खंडाला, लोनावला, अंबाला, गेटवे ऑफ इंडिया, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप। अरे चुप, अगर हम लोग इतना घूमेंगे तो गाड़ी में पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा ना। और सुनो यार, तुम मेरी बात सुनो यार, सुनो यार, हम लोग अपनी गाड़ी को रोड पे नहीं चलाएंगे। रोड पे नहीं चलेंगे? लेकिन क्यों? उसके टायर गंदे हो जाएंगे ना यार। हटा सावन तू, ए देख कल का प्रोग्राम फिक्स करते हैं, क्योंकि मेरा रिहर्सल सबसे दूर है। मैं पहले तुम्हें छोड़ूंगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा, फिर एकदम स्टाइल में अपनी इंपाला में बैठकर रिहर्सल में जाऊंगा। फैंटास्टिक। Yes! और शाम को तुम हमें पिकअप करने आओगे? कब करने आओगे? अरे लेकिन मेरी रिहर्सल तो दोपहर को खत्म हो जाती है। सो व्हाट, घर आकर शाम को हमके दोबारा पिकअप कर लेना। ए एक मिनट, एक मिनट, तुमको कैसे पता मेरे शाम का प्रोग्राम क्या है? मुझे पता है। क्या है? तुम शाम को हमको पिकअप करने आओगे। शट अप, तुम दोनों ने मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है क्या? ए अमित, हाँ? गाड़ी तेरे पास होगी। हाँ? तो हम बस में घूमेंगे। अरे यार बहुत हो गया यार, जब देखो तुम लोग लड़ते ही रहते हो। अब मेरी बात सुनो, मैं निकी को छोड़कर तुम्हें लेकर अपने ऑफिस पहुंचूंगी और तुम मेरे ऑफिस से ट्रेन पकड़कर अपने रिहर्सल पे चले जाना। ए ए होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं शाम को घर कैसे लौटूंगा? वेरी सिंपल, तुम ट्रेन पकड़कर मेरे ऑफिस को आना और मैं तुम्हें वहां से कार में अपने घर ले आऊंगी। शट अप, कार में अपने घर ले आऊंगी मतलब मैं दोनों बार ट्रेन में धक्के खाऊंगा एज यूजुअल, और तुम दोनों महारानियां क्लासिक इंपाला में घूमोगी। ए चल हटा उधर, मेरे को तुम लोग के साथ में पार्टनरशिप करने का, मेरा 4,000 लौटाओ, मैं सेकंड हैंड लूना खरीदूंगा। हाँ अमित, हाँ तुम्हारा ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल का क्या हुआ? ए गर्ल्स, आई एम सॉरी यार, आई मेड अ मिस्टेक, एक्चुअली आई गॉट कैरिड अवे इन माय कार। आर कार, आर कार, आर कार, क्योंकि ना तो ये गाड़ी तुम्हारी है ना तुम्हारी है, ये गाड़ी तो मैं और ये सो स्वीट। देखो तुम लोग बैठो, मैं जरा कारपेंटर नहीं मैकेनिक पे जाके आता हूँ, गाड़ी दिखा के आता हूँ। बाय निकी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर बनूंगी। बड़ी हुई ना तो बूढ़ी हो जाएगी। शट अप यू जेलस कुकड़ी।
निकी ये देख ये शर्ट है ना मैंने सिर्फ 6 months में स्टिच की है 20 साल पहले बनाई होती तो शायद फिट भी आ जाती दूर फिट है मुंह चाचा खोल अबे खोल ना ब्लडी लेजी फॉर्म हाँ हाँ आ रही हूँ सब काम मुझे अच्छा इसे क्या हो गया पागल हो गया या बेकार में चिल्ला रही है अमित अमित ये तो बिल्कुल अमित की आवाज है अमित अरे यार मैं ही तो हूँ अमित क्या पागल हो गई है व्हाट्स हैपेंड हो रहा है अमित हाँ तुम कितने क्यूट लग रहे हो क्यूट फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हो बिल्कुल मंकी लग रहे हो मंकी ओह या या नाउ दैट इन फनी दैट इन फनी मैन दैट मैकेनिक क्या कहता है अमित ओहो मैकेनिक वो मैकेनिक ये कहता है कि ये गाड़ी है लेकिन मैं ना कहती थी गाड़ी बिल्कुल टिच है लेकिन लेकिन वो बैटरी जो है वो चली गई है कहाँ चली गई है अरे यार चली गई है मतलब मर गई है डेड हो गई है खराब हो गई है भाई और वो इंजन जो होता है इंजन उसे बदलना पड़ेगा इंजन के बदले हमें क्या लगाना पड़ेगा अरे तेरा सर मेरी माँ फिर तो चल चुकी गाड़ी उसके अलावा ओ यू मीन गंजे टायर्स और फेल्ड ब्रेक्स के अलावा डार्लिंग अमित हमारी गाड़ी का एवरेज क्या है 2 किलोमीटर पर लीटर नहीं डार्लिंग निकी इट इज 2 liters per kilometer मेरा कहती थी हम लोग पेट्रोल पंप जरूर जाएंगे अब तो हम लोग पेट्रोल पंप ही जाएंगे अमित इस सब का खर्चा कितना होगा खर्चा देखो निकी तुम मुझसे खर्चा ना पूछो तो अच्छा है और मैं तुम्हें खर्चा ना बताऊं तो बहुत बेहतर है क्योंकि पुराने जमाने में बुरी खबर लाने वाले का सर काट दिया जाता था खर्चा 50,000 रुपए इसका सर काट दो आज मेरा गुस्सा बहुत खराब है और गुस्से से ज्यादा मेरा मूड खराब है ओए खंडे मेरा गुस्सा भी बहुत खराब है और आज मेरा मूड तेरे मूड से भी ज्यादा खराब है अंकल ओए मुझे अंकल मत बुला अरे बुलाऊंगा अंकल 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 एक बार सब साथ में बोलो अंकल हाथ उठाओ हमारे पैसे वापस कर दो मुझे तो किसी को कहने में भी शर्म आती है कि वो मेरी गाड़ी है हमारी हाँ हमारी वो गाड़ी है या खटारा अरे भाई वो गाड़ी है या खटारा पर अब है तो तुम्हारा ओए खंडे मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगी आर्मी में आर्मी में नहीं यार पुलिस में हाँ पुलिस में पुलिस पुलिस हो हम हाई कोर्ट जाएंगे अरे यार तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ ना ओए खंडे सोचता क्या अपने आप को चल खड़ा हो जा तू मेरा गुस्सा नहीं जानता मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा मेरे पैसे लौटा दे वरना वरना क्या क्या कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं वरना तो मेरा तंगिया कलाम है जैसे कि सॉरी अंकल वरना वरना अंकल वरना यू आर सो स्वीट वरना निकी राखी भारता वरना लोग यहाँ आए क्यों थे या आओ आओ बोल साले मेरे पैसे देता है कि नहीं बोल लुचक कमीने भंगी पैसे चोर अमित मार अमित खन्ना अंकल बहुत स्ट्रांग है ना स्ट्रांग अरे साले के कान के नीचे एक बजाऊंगा ना तो बोलती बंद हो जाएगी अरे कौन है कौन है बे हेलो हाय अमित कैसे हो हाय निकी हाय राखी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो माइक टेस्ट को चैलेंज कर रहे हो क्या बी केयरफुल कान खा जाता है वो तेरा वो खन्ना नीचे मिला था बहुत खुश लग रहा था लगता है उसकी खटारा 1947 इंपाला खरीदने के लिए उसे कोई गधा मिल गया एक नहीं तीन तीन एक गधा और दो गधियां भी एक गधा दो गधियां हिंदी फिल्म के लिए अच्छा टाइटल है अच्छा इसका मतलब कि तुम गधों ने उसकी खटारा खरीद ली है जी हाँ 12,000 की गाड़ी जिसमें 50,000 का खर्चा था कुछ सोचते हैं आइडिया रुक अरे यार चुटकी बजाना बंद करो और कुछ बोल भी यार नहीं मिस्टर इंपाला फ्रॉम कंपाला धोखा आपकी तारीफ I am Mr. Impala from Kampala. I am Khanna. प्यार से लोग मुझे खन्नू कहते हैं. तशरीफ रखिए. Thank you. Mr. Impala. Yes. मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले जरूर कहीं देखा है. देखा होगा, देखा होगा. International magazine के cover पर. Time. नहीं. Newsweek. No. Playboy.
हाँ, प्लेबॉय, प्लेबॉय की कवर पर देखा है। What a coincidence. मिस्टर इंपाला, आपका नाम इंपाला है और मेरी गाड़ी का नाम इंपाला। हम इंपाला मोटर का कंपनी का मालिक है। Really? आप क्या पिएंगे? Nothing, nothing, all right. वो नीचे जो 1947 इंपाला गाड़ी है, वो आपका है? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है, वो था मेरा। था? जी। था का मतलब? मैंने उसे निकाल दिया है। निकाल दिया? बेच दिया? हाँ। क्यों? मुझे उसके 12,000 रुपए मिले कैश। 12,000 रुपया? हाँ। So cheap? ओफो, आपको मालूम नहीं है, वो गाड़ी तो एक कचरे का डब्बा था। कचरे का डब्बा मतलब? वेस्ट पेपर बास्केट। वेस्ट पेपर बास्केट? हमारा गाड़ी का कंपनी का गाड़ी का तुम वेस्ट पेपर बास्केट बोलता है? यूज़लेस मैन, स्टूपिड मैन, आपको मालूम है? वैसा गाड़ी पूरा वर्ल्ड में ओनली थ्री है, ओनली थ्री। क्या? हम आपको वो गाड़ी का कुछ भी दे सकता था, एनीथिंग। हम आपको मिनिमम 2,00,000 रुपए दे सकता था। 2,00,000? यस। ये क्या कर दिया मैंने? पापा, क्या कर रहे हैं आप? मर्डर। पापा, अगर ये मर गया तो आपको फांसी हो जाएगी। छोड़ो, जाने दो, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला? छोड़ो डैड, छोड़ो पापा, छोड़ो। Yes, she's right, she's right. Intelligent girl, आपका लड़की नहीं लगता है, हम जाता है। ओ, तुम बैठ इधर, मुझे पहले बताओ, तुम अभी भी मुझे उस गाड़ी का 2,00,000 रुपए दे सकता है? देता है। पक्का? पक्का। प्रमिस? प्रमिस। मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। आप गाड़ी को ऊपर लेकर आएगा? नहीं, गाड़ी ऊपर नहीं लाएगा, लेकिन गाड़ी के कागजात और उसकी चाबी अभी लेकर आता हूँ। हेलो मेरे बच्चों। हाय खन्ना अंकल। हेलो मिस्टर फ्रॉड। ओए ओए ओए, आज तो तुम बड़ी स्वीट लग रही हो। क्यों, मैं पहले कड़वी लगती थी? ओ नहीं पुत्र, मेरा मतलब वो नहीं है। जाने दो खन्ना अंकल, मुझे बताओ आज आप क्या बेचने आए हो? और पुत्र, आज मैं बेचने के लिए नहीं, आज तो मैं कुछ खरीदने के लिए आया हूँ। ओह नो, हाउ बोरिंग। खंडे, तू यहाँ क्यों आया? क्या प्रॉब्लम है तेरी? और पुत्र, तू अभी तक मुझसे नाराज है? मुझे प्यार से एक बार खन्ना अंकल बोलना यार। हाँ, नहीं बोलूंगा। ओए देखो भाई, बुजुर्गों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर भूल हो गई है मेरे को तो माफ कर दे मेरे को, एक बार ले, मैं माफी मांगता हूँ। खंडा पागल, खन्ना गधा, खन्ना बेवकूफ। अरे क्या हो गया यार, ये नाटक क्यों कर रहा है? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। वो क्या है कि मैंने जो तुमको गाड़ी बेची है ना, हाँ, वो मेरी वाइफ यानी कि डोली की माँ की आखिरी निशानी है। और जब से डोली को पता लगा कि मैंने उसकी माँ की आखिरी निशानी पैसों के लिए बेच दी है, वो रो रो के पागल हो गई है। कहती है मेरी माँ की आखिरी निशानी वापस लेकर आओ। तो हम क्या करें? तो वो क्या है कि मैं वो गाड़ी आपसे वापस खरीदने के लिए आया हूँ। क्या? क्या? क्यों? भाई मैं आपको 5,000 रुपए ऊपर से और दे दूंगा ना। 5,000? हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, 10,000। ओके मंजूर? मुझे मंजूर नहीं है। राखी, ओए ठीक है, एजेंट कुड़िया ना बहुत ही पक्की बिजनेसमैन लगती है। थैंक यू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे हो ना, आपके लिए मैं ये 25,000। थैंक यू, हमें मंजूर है। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। रखे मंजूर है। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मंजूर है, कोई बात नहीं, मेरी बीवी की आखिरी निशानी की बात है तो मैं आप लोगों को आखिरी ऑफर देता हूँ, 50,000 रुपए। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। अंकिल, मैं आपको कुछ देता हूँ, ये आपकी चाबी है, साथ में ये कीजिए ने, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त। तू तो मेरा सीट आड़े। Excuse me, Mr. Khanna. Yes. Hello again. Mr. Impala. ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, Mr. Impala from Kampala. इनसे मिलिए, ये है Miss Niki. Hello Niki. Yes. Myself Amit. Hi. Hello. क्या बात है, आप यहाँ पर कैसे? नहीं, वो क्या है, हम आपके साथ बहुत जरूरी बात करना के लिए आया था। बात करने के लिए आया था, लेकिन आप इतना हिल क्यों रहे हैं? वो क्या है, हम कभी कभी लड़की को देखकर बहुत हिल जाता है। आप हिलिए मत, ये तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। सुनिए, आप बताइए, आप क्या बात करना मांगता है? वो क्या है, वो आपका जो कार है इंपाला कार, वो कौन सा ईयर का मॉडल है? 47। Oh no! Oh dear! Oh dear! Oh dear! हमको 47 ना है,
46 मॉडल मांगता था। वो 47 का मॉडल तो रास्ते पर कचरा जैसा मिलता है, यूज़लेस। What are you talking? इसका मतलब मेरी कॉपी का कोई कीमत नहीं है? Well, है हम कुछ डील वर्कआउट कर सकता है तो कीजिए ना, बताइए क्या कुछ ऑफर दीजिए। ओके लेट मी थिंक। ओके आप हमको 1,000 रुपया दे आओ। 1,000 रुपया? यस। समझ गया, डील से पहले ब्रोकर पक्का ना। अरे डोंट वरी, तुम्हारा खन्ना के साथ वास्ता पड़ा है। 1,000 क्या, 5,000 रुपए रखो। लेकिन किस लिए? थैंक यू। वो इसलिए कि आपका गाड़ी उठाकर कचरे के डब्बा में डालने का खर्चा। स्टूपिड मैन। क्या तुम्हारे अंकल ये पैसे क्यों ले लिया आपने? अरे मुझे तुम्हारी वो गाड़ी वाड़ी लेनी कचरे वाली। अरे लेकिन अंकल आप डोंट कॉल मी अंकल, डोंट ट्राई टू बी आवर फ्रेंड विद मी। मैं तारा अंकल अंकल नहीं हूं। मेरी जुबान लड़खड़ा गई थी। बोलो मैं जूना वाला हूँ। तो वो नीचे जो 1947 इंपाला कार खड़ी है वो किसकी है? इनकी है। हाँ मेरी है, हमारी है। अरे यार मेरा मतलब वही था, हमारे। लेकिन आपको क्या है जी? मैं वो खरीदना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, आप वो गाड़ी वाकई में हमेशा के लिए खरीदना चाहते हैं या इस फ्रॉड कमीने की तरह 5 मिनट के लिए? नहीं नहीं, हमेशा के लिए खरीदना चाहता हूँ। ऐसा क्या? मत खरीदो, वो कार है ना, बेकार है। कोई बात नहीं, मैं एक एंटीक कार डीलर हूँ और उस कार के लिए मैं आप लोगों को 3,00,000 रुपए दे सकता हूँ। 3,00,000? मंजूर है? मंजूर है?